इस हफ्ते के वीकेंड के बारे में दोस्तों आपको बताना चाहता हूं। भाईजान सलमान खान उठाने वाले हैं कुछ बड़े मुद्दे, वो मुद्दे जो कि बताने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उन पर डीप इंपैक्ट, वो जो कहते हैं ना टॉर्च से रोशनी डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज कंटेस्टेंट आगे आने वाले भड़केंगे, अपने पाथ को छोड़कर वो दूसरा पाथ अपनाएंगे। आइए इस वीडियो में बताता हूं कि आखिरकार क्या है माजरा और सलमान साहब इस वीकेंड के बार पे लगाएंगे किस किस की वाट। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फीफा फूस को फटाफट कर लीजिए। मैं आपका होस्ट हूं दोस्त राहुल भोज। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो। दोस्तों बात करें तो वीकेंड के वार पे बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। जी हाँ, वीकेंड के वार पे सबसे बड़ा मुद्दा आएगा किस्सा किसका। अभिजीत बिचुकले और अपनी देवोलीना भट्टाचार्य जी, देवोलीना ने सहूलियत के साथ एक मुद्दा उठाया, हम सब जानते हैं दोस्तों, और देवोलीना ने ये मुद्दा उठाकर बताना चाहता हूं कि काफी ज्यादा हंगामा कर दिया। देवोलीना का ये मुद्दा बहुत ही सहूलियत का लगा ऑडियंस को, जहां पे ऑडियंस ने बोल दिया कि भैया ये लड़की जो है टास्क जब कर रही थी तब इसने कुछ नहीं बोला, तब एकदम ठीक है, हाँ हाँ करो करो, आप पहले सामान लेकर आओ। उसके बाद जैसे ही टास्क रद्द हुआ तो देवोलीना का डुअल फेस नेचर जो है वो सामने आया दोस्तों, कि कैसे बंदी ने इस चीज का इस्तेमाल किया है। चलिए ठीक है, ये मुद्दा जो है कंप्लीट होता है, लेकिन उसके बाद क्या, आपको बताना चाहता हूं कि देवोलीना भट्टाचार्य जी को लेकर अभी इस वक्त ये बात सामने आ रही है कि देवोलीना की क्लास लगेगी और साथ ही साथ अभिजीत बिचुकले की भी लगेगी। रश्मि देसाई के स्टेटमेंट पे लगेगी कि रश्मि बहना क्या कर दिया, क्या बोल दिया आपने कि अगर उंगली दोगे तो हाथ तो पकड़ेगा ही ना। ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जो कि सचमुच में कंट्रोवर्शियल था। इस पे कामिया जी ने भी बोला है कि कहां से आ जाते हैं ऐसे गवार। वहीं दोस्तों इसके साथ साथ जो मुझे ऐसा लगता है वीकेंड के बारे में बात होगी रितेश की होगी, बिकॉज वो राखी सावंत को कुछ समझ नहीं रहा। राखी सावंत को कुछ भी बोल देता है, लताड़ देता है, और पता नहीं ये गेम प्लान है या क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा है। फिर उसके बाद दोस्तों तेजस्वी प्रकाश पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं कि देवोलीना की बात को लेकर, वो जो शमिता जी ने मुद्दा उठाया कि तेजस्वी आजकल हर एक मुद्दे पे घुस रही है, इस बात को लेकर भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं। अब पता नहीं है, देखते हैं कि वीकेंड के बारे में क्या होगा। इसके अलावा जो वीकेंड के बारे में मुद्दे बन सकते हैं दोस्तों, उमरश के बारे में बातचीत हो सकती है, उमर को, हाँ ऑफ कोर्स उमर के बारे में जेल वाली बात हो सकती है जो कि देवोलीना आज के दिन जाएगी, हम देखेंगे। सो दोस्तों आपको क्या है कहना इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, कोई और मुद्दे भी हैं तो वो भी बताइएगा, और देखते रहें आपका फेवरेट चैनल फीफा फूज़।